मारवाड़ प्रांतीय रावणा राजपूत सभा की ओर से द्वितीय आदर्श सामूहिक युवा सम्मेलन का अष्टम सामूहिक युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। सामूहिक युवा सम्मेलन में विभिन्न जगहों से आए समाज के 21 जोड़े पाणी ग्रहण संस्कार के साथ परिणय सूत्र में बंधे। युवा सम्मेलन हेतु विराटिया खुर्द स्थित बाबा रामदेव मंदिर से वर वधु की निकासी शोभा यात्रा के रूप में निकाली गई। शोभा यात्रा में सभी 21 जोड़े घोड़ों पर सवार चल रहे थे। इस दौरान बैंड बाजों के धुनों पर बाराती नाचते गाते हुए चल रहे थे। बाबा रामदेव मंदिर प्रांगण से आरंभ हुई शोभा यात्रा विभिन्न स्थानों से होकर पुनः विवाह स्थल बाबा रामदेव मंदिर प्रांगण पहुंची। इस दौरान समाज बंधुओं द्वारा जगह जगह पर बारात शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। बारात शोभा यात्रा के विवाह सम्मेलन पहुँचने पर सामूहिक तोरण की रस्म अदा की गई। तोरण के पश्चात विवाह स्थल पर वैद्यों पर विद्वान पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पाणी ग्रहण संस्कार सम्पन्न करवाए। इस दौरान दूल्हा तथा दुल्हनों ने विवाह के सात वचन दोहराते हुए जीवन में एक दूसरे का साथ जीने मरने तक देने का संकल्प लिया। पाणी ग्रहण संस्कार सम्पन्न होने के पश्चात भोज तथा उसके बाद विदाई की रस्म अदा की गई। इस विदाई समारोह को संबोधित करते हुए विभिन्न वक्ताओं ने नवविवाहित जोड़ों को सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद देते हुए आपसी सामंजस्य से अपना जीवन व्यतीत करने की सलाह दी। वक्ताओं ने कहा कि समाज में शिक्षा के प्रति आई जागरूकता का ही परिणाम है सामूहिक विवाह सम्मेलन। सामूहिक विवाह सम्मेलन से समाज में फिजूल खर्ची पर रोक लगती है और समाज में समानता के भाव जागृत होते हैं। इस दौरान वक्ताओं ने श्री मारवाड़ प्रांतीय रावणा राजपूत सभा की ओर से किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए विवाह सम्मेलन में अपनी भूमिका निभाने वालों तथा व्यवस्थाओं को अंजाम देने वालों को साधुवाद दिया। इस मौके पर मारवाड़ प्रांतीय रावणा राजपूत समाज के प्रदेशाध्यक्ष गणपत सिंह, पाली जिला अध्यक्ष जगदीश सिंह चौहान, संरक्षक अमर सिंह सोलंकी, संतोष भारती महाराज, शक्ति सिंह भाटी, हेमंत सिंह, रतन सिंह, राजेंद्र सिंह, समुन्दर सिंह खींची, बाबूलाल सिंह बड़गुजर, गणपत सिंह, रूप सिंह, पृथ्वी सिंह, अमर सिंह, मदन सिंह सहित बड़ी संख्या में समाज बंधु मौजूद।